जदों भी असा किसी मुसीबत च फसे आ तद अमन ने आके सदा हमेशा साथ दिता है, असानू हर मुश्किल चो कटिया, फिर असा इन्ना क्यों सोच रहे हैं? अमन ने सानू फारुक तो बचाया, आज जो आजादी सानू मिली है सिर्फ अमन करके, नहीं तो आज ते असा फारुक के हाथों तबाह होया होना सी। नहीं सरीना, असा अमन की मदद करांगे, जे अमन असानी इन्ना कुछ कर सकता है तो आज असा दा भी फर्ज बनता है। अम्मी जान सानू माफ करना, पर असा अमन नाल इंज नहीं कर सकते, आज असा दी बारी है उसकी मदद करन दी। असा कंगन बेचांगे, जल्दी करो डॉक्टर नू बुलाओ, नब्ज रुक गई है, किन्ना खून वाकया है, बेहोश है, आने दा डॉक्टर किथे मर गया, जल्दी बुलाओ। भाईजान हम तो सासानू ये सिर भाईजान को ले चलो। फिकर ना करो बीबी, असी ले चलते हैं। हो ना हो अमन किसी मुसीबत विच है, ये तावीज था टूटना ये कोई चंगा शगन नहीं है। या मेरे मौला, अमन सलामत रखना, उसे रहम करना। चाची संभालो अपने आप, की करते हो? अमृती हौसला रख, हौसला रख मेरी धी, संभालो अपने आप। अमन कुछ नहीं होया, मैं नहीं जाना इतों, जिन्नी देर मेरे पुत नु नहीं मिलाउंदे मैं नहीं जाना, मैं इत्थे ही रहना, मैं अपने पुत को रहना, मैं अपने पुत को रहना। चाची अमन कुछ नहीं होंदा, मेरी गल ते यकीन करो, तुसी मैं इत्थे ही अमन दे कोल, उसे बेहोश हो गया ना, तुसी जाओ। मैं नहीं जाना इतों। मेरे यार नाल बहुत गंदा सलूक किया है, मैं थोड़े सारे के खिलाफ अपना परचा दर्ज कराऊंगा। ये कोई गल नहीं है फौजी साहब कि तुसी किसे नू भी हवाला दे विच बंद करके इन्ना गंदा सलूक करो, उस दे नाल ये बहुत वड्डा जुर्म किया तुसी, मैं सारे के खिलाफ परचा दर्ज कराऊंगा। तुसी नाजायज अमन नू मारिया, बहुत बोल रहे हैं, तैनू पता अतवाद दा इल्जाम की हुंदा है, होर की करदे असी, अतवादी की थाने च बिठा के पूजा कर दे, एहो जे लोग मासूम लोगों की जान लेंदे ने, फिर तुहाडे जे लोग धरने देंदे ने कि सरकार ने पुलिस ने कुछ नहीं किया बेकसूरां दियां जानां बचाउण लई, कि पुलिस पहला की कर रही सी, जे हुण असीं पुछ रहे हां तां तकलीफ हो रही है, जे तेरा दोस्त बेकसूर हुंदा तां दस दिंदा उस नूं बैग किसने दिता सी, उस विच असला कित्थों आया, पर हाले तक उन्हें मुंह कुछ नहीं बोलिया, इसका मतलब वो कुछ लुका रहा है कि वो अतवादी है, मुंह ना खोल के इसने अपने अतवादी होने का सबूत तो दे ही दिता है, हुण तो बस ये पता करना है कि ये करना की चाहते सी, इस नाल होर कौन कौन रलिया होया, जे इन्नी चिंता है ना अपने यार की तो होश चाउण तो बाद समझा दी उन्हूं कि सब कुछ सच सच दस दे, नहीं तो फौज नूं होर भी बड़े तरीके आउंदे ने सच पता करते, फिर ना कहीं दस्या नहीं सी, समझा दी उसनूं, हुण तू जा इत्थों। मन इनू गुलूकोज जाना पऊ, जो करना जल्दी करो, जल्दी गुलूकोज का प्रबंध करो।
बोलता क्यों नहीं क्या? अगर सच की हो क्यों बार बार कुट खाई जा रहा है? अमन हौसला ना छाट मेरे यार। अमन उठ, अमन जवान जवान बोलता तू बेबे बापू का, एवं हौसला ना छाट मेरे यार। तेरे अगे सारी तेरी जिंदगी पई है, उठ, तेरा सारा टब्बर तेरी उड़ीक दे बेचे अमन। अले मेरा ते सोच यार, तेरे बिना मेरा की बनेगा? बेबे का सोच अमन, बापू का सोच, ताया जी का भी सोच अमन। जे तू नहीं उठेगा तो तेनू तेरे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। अज इस पाक जगह से अपने सच्चे दिलों जवाब दोगे? तू ही मैं सच्चा प्यार करती है ना? तेनू तेरे सवालों का जवाब ले अमन उठना पैना। उठ अमन, अमन तेरे सारे घर दे उड़ीक कर रहे ने। उठ अमन, उठ जा। अमर उठ जा यार, इतों बाहर निकल के आप फिर पतंगबाजी करा। अमर तेरे तो वधिया इस पिंड दे विच कोई पतंगबाज नहीं है। अमन उठ जा यार। अमन शाबाश शाबाश अमन। नहीं सरीना, तू इस तरह बच के नहीं जा सकती। बहुत है तो सा खेल, अज असा तो सानू नहीं बख्शा। आले अपने 13वें जन्मदिन दे केक ते तू खुद मोमबत्तियां लगा पुत्तर। हाँ जी अम्मीजान। अम्मीजान कोई गड़बड़ तां नहीं हो जाएगी? असांदी साइकिल आ जाएगी ना? तू फिकर क्यों कर रहे हैं पुत्तर, तुसांदी साइकिल आज जरूर आएगी। उस कमबख्त नु कंगन अपनी जान तो भी प्यारे ने अपनी अम्मी जान दे, ते इसलिए उसदी जान चली जाएगी पर वो कंगन नहीं बेचेगी, ते तुसांदी साइकिल भी जरूर आएगी। जो ना लेके आई ना ते असा खुद कंगन बेच के तुसा लई साइकिल लेके आवांगे। लगता उन्होंने शक हो गया। इंज करो तुस अगे तो बुरके वाली कुड़ी का पिछा करो, एहतियात नाल, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी जनाब। सबसे अगे तो घेर दिया, उस बुरके विच पक्का जरीना ही है। अज उस तो जान नहीं दे सकते। जरीना अज तुसा ते अमनदीप सिंह दा राज सामने आके रहेगा। अज असा तो सानू नहीं बख्शा। ये पतंगी तो जरिया सी अमर दे सानू मिलाउण दा। अमन दे घर दे टेलीफोन दा आखरी नंबर भी खुदा दे पाक नाम पे सी, 786। क्या मेरे बोला अज ते सानी अमन दे बेबे नाल टेलीफोन ते गल भी होई है। खुदा भी यही चाहते ने कि असा अमन नाल गल करिए। अज किसी भी हाल दे विच असानू अमन दे बारे पता करना बहुत जरूरी है। ऐसा पता करके दवांगे। बेबे इतो आए। तू सो उधर रखो।
जरीना इस तुसा ते अमनदीप दा राज सामने आके ही रहेगा। मैं जैसा तुसा नहीं बख्शांगा। सर अमन के दोस्त नूं इहदे नाल मिलन दिओ, शायद उसके बोलने नाल इस नूं हिम्मत मिल रही है ते ये होश विच आ रहा है। ये किसे दा ना लैण दी कोशिश कर रहे हैं। तू मिल ला अपने दोस्त नूं, 5 मिनट ने तेरे को समझा दे, इहनूं सब कुछ सच सच दस दे। चलो अमर तू ठीक था, तेरे हालत देख मेरा सांस उठ रहा यार। जितना कर ले रहा मेरे भावे अपनी जान क्यों ना देनी पवे, तू बाहर कट के रहूंगा, तेनू बेगुनाह साबित करके रहूंगा मैं। सुन मुझे भी मजा बता कर ठीक है नहीं, मन वाला पता करके दस दी। इस गली विच जो आखिरी कार है उसे जासर लुकिया हुआ है, इस तो ज़्यादा असा तुसा दी कोई मदद नहीं कर सकते। हुण भुल जाओ कभी असानू मिले भी सी, असानू पैसे दिते सन, समझ गए ना? सर सर मेरा जरीना बारे पता करना बहुत जरूरी। हाँ हाँ पता कर लवेंगे, पर पहला तू ठीक हो जा, बिल्कुल चिंता ना कर, आपां नूं टेलीफोन भी कर लवेंगे। बस अमर एक बार तेरी बेगुनाही साबित कर दिए, फिर उस तो बाद आपां नूं टेलीफोन भी कर लवेंगे। तू मेरी गल समझ रही है ना? खबर मिली है कि नहीं? चोरावां क्यों लुक रहे हो भाईजान? असल की गल समझने की कोशिश करो, अमन की खबर असल बहुत जरूरी है भाईजान, असल मदद कर दो। बस तुम इन्ना दस दो कि अमन अमन ठीक तो है ना भाईजान? तुम सब बोलते क्यों नहीं? असल मदद कर दो भाईजान, असल इंजोर ना करो, असल जान निकलती जाती है भाईजान, असल सुकून दे दो, अमन की खबर एक बार असल दस दो भाईजान, तुम सू खुदा वास्ते असल मदद कर। तुम अंदर आओ, मेरा उस नाल गल करना बहुत जरूरी, क्योंकि क्योंकि उस बार दिन उसनूं पता लग गया सुन कि सरीना मेरे नाल सी, हो सकता है कि उसनूं फड़ ले, क्योंकि जिहड़ा मेरा बैग गवाच गया सी ना उह सरीना ने मैनूं वापस दित्ता सी। ये की कह रहे हैं तू? बीबी जिस बंदे का पता करने नहीं तुसा कह रहे हो वो आतंकवादी है, उसने पुलिस वाले ने फड़ रखा है ते फौज उस तो पूछताछ करी ने, देश द्रोही होने का इल्जाम लगाया उसने। उस कोल असला फड़ा गया जो पाकिस्तान तो लेके गया,
कोशिश तो है, तो एक ही बोली जा रहे हैं। वो बेकसूर है, मैं उसके बहुत चिंता हो रही। तू घर जाते उसने फोन करके उसका पता कर। बकवास बंद कर, अपनी हालत देखिए। तू तू इतने मर रहा है, सारा टब्बर बाहर मर रहा, ताया जी चाची जी मैं, तो तू उस कुड़ी का ना पुलिस सामने नहीं लै रहा। उसने तेन बैग दिता सी ना, क्योंकि मैं तेन उस तो भी ज्यादा प्यार करता। मेरे यार अमन, मैं तेन उस कुड़ी करके इतने मरदा नहीं देख सकता। मैनू कोई परवाह नहीं है, उदो जो हुंदा हो लैन दे, मैनू बिल्कुल चिंता नहीं, साडी कुछ नहीं लगती। मैं आज पुलिस में जाके सब कुछ साथ साथ दसूंगा। तू अजिहा कुछ नहीं करे, तेरे मुंह उस मारे कुछ नहीं सुनना चाहिए। मैंने माफ कर दिया यार, समझने की कोशिश कर। तुझे तेरे मेरी सौलक तुझे कुछ नहीं करेगा, तू पुलिस को कुछ नहीं दसेगा, तू मेरी सौलक। नहीं, नहीं, इंच नहीं हो सकता। क्या खुदा, ऐसा क्यों सुन रहे हैं? इंच नहीं हो सकता भाईजान। हो नहीं सकता बीबी, यही सच है, पूरी पक्की खबर है। इसलिए ऐसा तुसा दे नाल मिलना ही नहीं चाहते से। हुन तुसा जाओ इथों, असानू तुसा दे नाल कोई गल नहीं करनी। यह फौज का मसला है, जे ऐसा किसी ने तुसा दे नाल देख लिया ना, ते तुसा दा पता नहीं, पर असा दी जिंदगी जरूर हराम हो जाएगी। पर ये कैसे हो सकता, इंच नहीं हो सकता भाईजान। अमन हर वक्त असा दे आसपास ही रहना सी, उसको कोई असला नहीं सी। इत्थों तक कि जद उन्हें तो जाना सी ना, उदों तक भी उसको कुछ नहीं सी, उसको कोई असला नहीं सी। फिर मेरे सब कैसे होया? इंच नहीं हो सकता भाईजान, सब नहीं फसाना चाहता यार। दिल कहता कि उसने इस बारे कुछ नहीं बताते हो, बेकसूर। तू दे करके मेरे ना लड़ रहे, अपने भरावां वर्गे यार दे नाल, तेनू की लगता वो बेकसूर है? जा वे, एक कुड़ी करके अमन तू यारी छड़ दित्ती। गल समझ की कोशिश कर अमन, हो सकता वो सब कुछ पैसे करके करते हो। मेरा दिल कहता वो बेकसूर नहीं है, क्योंकि तो पे क्या सेगा कि उन्हें पिछली बार भी ब्याह पैसे करके करवाया सेगा। सुचित, तू इस बारे गलत कह रहे हैं, मैंने उस पर पूरा भरोसा है। वो मनु कदे भी धोखा नहीं दे सकते, उसकी सच्चाई तो कदे भी शक नहीं कर सकता यार। तेरे मेरी गल समझ आ रही, वो सिर्फ सिर्फ पैसे दे दुखी है। बारे पुठा सीधा बोलूंगा।
अपने एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता।